गुड इवनिंग बडीज, दिस इज़ बैंकर बडी। स्वागत है आपका बैंकर बडी के एक नए सेशन में। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 5 अनसर्टेन पजल देने वाला हूँ। उसके साथ आपको टाइमर भी रहेगा। हर पजल में आपको 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपको उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले और आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओ, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसलिए आगे 2 मिनट स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से सुन लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हर पज़ल के साथ आपको 2 मिनट 30 सेकंड का एक टाइमर मिलेगा। तो आप जब भी पहले काउंटडाउन आएगा 5 सेकंड का, उसके बाद आपका पज़ल शुरू होगा। तो आप कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। आप जैसे ही पज़ल शुरू होता है आप अटेम्प्ट करो टाइम के अंदर। अगर हो जाता है, अगर आप सॉल्व कर लेते हो टाइम के अंदर या टाइम के पहले, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। जैसे ही आपका टाइम ख़त्म होता है हर पज़ल के साथ, एक आपको साइरन सुनाई देगा, ठीक है। सेकंड साइरन के बाद आपका नेक्स्ट पज़ल आ जाएगा। तो आप जैसे ही एक पज़ल पूरा हो जाता है, साइरन बज जाता है, उसके बाद नेक्स्ट पज़ल बनाने लग जाइएगा। वीडियो को रोकिएगा नहीं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको पज़ल नहीं बनता है तो डिसअपॉइंट मत होइएगा, उसको आप कंटिन्यू रखिएगा। जो पज़ल नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, टाइम के अंदर लेफ्ट कीजिए, सेकंड वाला अटेम्प्ट कीजिए। सेकंड वाला नहीं हो रहा है टाइम के अंदर, थर्ड वाला अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। इस तरीके से पूरा कंप्लीट कीजिए 5 पज़ल को। और हाँ, एक जो महत्वपूर्ण बात, अगर आपके एक भी पज़ल टाइम के अंदर सॉल्व नहीं होते हैं तो आप सॉल्यूशन मत देखिए लास्ट में, ठीक है। आप फिर से वापस आइए, वीडियो को फिर से प्ले कीजिए और फिर से कोशिश कीजिए उस पज़ल को सॉल्व करने का टाइम के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको करना है, आप इस तरीके के कीजिए, देखिए आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। आपकी स्पीड इस इंक्रीज़ होगी और आप एग्ज़ाम में भी अच्छे से इसको कर पाइएगा। एक और बात, अगर आपको इसका सेट 2 चाहिए, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसका सेट 2 भी अपलोड कर दूंगा। जितने टाइप के पज़ल हैं मैं कोशिश करूंगा हर टाइप के 2-2 सेट मैं आपके लिए प्रोवाइड करा पाऊँ। उससे ज़्यादा भी हो सकता है मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो ये अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए आज का प्रैक्टिस सेशन।